instruction mudra is performed by using both the palm. It should be learned from a guru or experienced teacher to get maximum benefit. आज लोपा मुद्रा का कैसे करते सीख लेते, तो उससे पहले दोनों हाथ के जो हथेली है उसको राइट हैंड ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, और हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखकर दोनों अंगूठे के टिप्स को मिला देना है, और अपने नाभि के नज़दीक, नाभि से नीचे अपने जो सुखासन में बैठे वहीं पर रख दो, और पांव को पद्मासन में करना है, तो पद्मासन बनाकर दोनों घुटने नीचे जमीन पर लग जाने चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रख देना है, राइट हैंड ऊपर रखेंगे और दोनों अंगूठे के टिप्स को मिला दीजिए और नाभि के नज़दीक रख दो। इसको कहते हैं लोपा मुद्रा या ध्यान लोपा मुद्रा, वितराग मुद्रा भी कहते हैं। अब हम दूसरी जो मुद्रा यानी लोपा मुद्रा नंबर दो कर लेते हैं। हथेली में ये जो हथेली का भाग है उसके पर दूसरे हाथ की हथेली यानी राइट हैंड को रख देना है और दोनों अंगूठे का भाग देखो ऐसे रहेंगे। अब यहाँ बस नाभि के नज़दीक रख दो, तो सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, और नाभि के नज़दीक रख दो। इसको बोलते हैं लोपा मुद्रा या लोपा मुद्रा नंबर दो। टुडे वी लर्न लोपा मुद्रा, सेकंड नेम इज ध्यान लोपा मुद्रा। मेथड इज सिट इन पद्मासन और सुखासन, कीप राइट पाम ऑन द लेफ्ट वन, टिप ऑफ बोथ द थम्स शुड टच ईच अदर, कीप द पाम्स बिलो नेवल, इट इज कॉल्ड लोपा मुद्रा और ध्यान मुद्रा और वितराग मुद्रा। कॉन्टेक्ट ऑफ बोथ द थम्स क्रिएट्स फायर एनर्जी, इन केस वन फील्स मच इंक्रीज इन एनर्जी व्हाइल दिस मुद्रा इज परफॉर्म ड्यूरिंग मेडिटेशन, थम्स कैन बी किप्ट वन ओवर द अदर। नाउ बेनिफिट, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी एंड लॉर्ड बुद्धा यूज टू परफॉर्म इट, इट हेल्प्स टू ग्रेट एक्सटेंड ड्यूरिंग मेडिटेशन, इनस्टेबिलिटी इज रिमूव, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, इट इज बेस्ट टू अचीव हाई गोल्स, समाधि मीन्स स्टेट ऑफ ब्लिस एंड अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन, गुड थॉट्स एंड डिटैचमेंट इंक्रीज रिजल्टिंग इन ब्राइट एंड प्योर ऑरा ऑफ द पर्सन, ए शील्ड इज क्रिएटेड अराउंड बॉडी बाय परफॉर्मिंग इट, नो एविल एलिमेंट्स कैन अफेक्ट, when performed in padmasan backbone remains straight, vital energy means pran shakti flows in sushumna nadi, cycle from left part of body runs to right part and a circle is completed, so energy flows well, one progresses to higher goals, mind and temperament get pacified, peace of mind is attained, muscles and other organs are strengthened, mental peace is maintained in any adverse circumstances। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, और आप सबको विनंती हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।